इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलेक्शन के बीच सुकमा में ये मुठभेड़ चल रही है। सुकमा में वोटिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट भी किया गया है। आईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। कुछ नक्सलियों के मारे जाने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं घटनास्थल से एक AK-47 भी बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। इलेक्शन के बीच सुकमा में ये मुठभेड़ हो रही है। आईडी ब्लास्ट भी किया गया है सुकमा में वोटिंग के दौरान, जिसमें एक जवान घायल बताया जा रहा है। वहीं घटनास्थल से एक AK-47 भी बरामद की गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।